Hey, hello guys, good morning. This is Jiten Patel rolling again from Gujarat. So, आज हम खोडल धाम जा रहे हैं और अभी हम हाईवे पे हैं. So, हमने हमारी जर्नी गोंडल गुजरात से शुरू की है और हमारा जो डेस्टिनेशन है वो कागवड़ है. कागवड़ पे खोडल धाम करके जो मंदिर है, पटेल समाज की जो कुल देवी है उनका मंदिर है. सो वहाँ पे हम जाने वाले हैं और आज मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ की जो ब्यूटी है, कैसे वो लाल पत्थर से पूरा मंदिर बना हुआ है, आजू बाजू का जो एरिया है कितना पीसफुल है, वहाँ पे कितनी ग्रीनरी है. एंड आई विल शो यू, यू कैन सी इन दी स्क्रीनशॉट एज वेल. यहाँ पे पूरा मैंने मैप दिखाया है और वहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं. इट इज 21 किलोमीटर्स फार फ्रॉम गोंडल और करीबन आपको 25 से 30 मिनट लगेंगे वहाँ पे पहुँचने के लिए. सो बी विथ मी, आज मैं पूरा आपको विजिट करवाऊंगा. थैंक यू वेरी मच. हेलो गाइस, तो अभी हम खोडल धाम कागवड़ पहुंच गए हैं और यहाँ पे खोडियार माता का बहुत बड़ा मंदिर है. लाल पत्थर से ये बना हुआ मंदिर बहुत ही आलीशान है और यहाँ पे जो पटेल समाज है, लेउआ पटेल समाज, उनकी कुलदेवी जो खोडियार माता है उनका मंदिर है. तो अभी हम वहाँ पे विजिट करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे जूनागढ़ जू. थैंक यू. तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मंदिर के आजू बाजू बहुत ही बड़े गार्डन्स हैं, बहुत ही ग्रीनरी है और बीच में ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है. बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है. बहुत बड़ा यहाँ पे गार्डन भी बनाया उन लोगों ने और ये जो मंदिर आप देख सकते हैं, वेरी 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 ब्यूटीफुल टेम्पल. और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी रंगोली भी बनाई है जो कि लाजवाब है, इसको बनाने में बहुत टाइम लगा होगा. And this is just fantastic. तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने मंदिर के पोडियम से ये व्यू लिया हुआ है और चारों तरफ ग्रीनरी है और ये जो ग्रीनरी है वही उसको बहुत ही सुंदर बनाती है. एंड देयर यू गो, ये मंदिर का व्यू है, बहुत ही फैंटास्टिक है. और ये लाल पत्थर से बना हुआ मंदिर, हमारे जो घर होते हैं वो सीमेंट और सलिए से बने हुए घर, उनकी जो आयु होती है वो 100 ईयर्स होती है. बट ये भारतीय संस्कृति से ये बना हुआ ये मंदिर, उनकी जो आयु होती है वो 1000+ ईयर्स की होती है. और यहाँ पे जो शिल्प किया हुआ है, यहाँ पे जो आर्ट है, उसी को ये बहुत ही खूबसूरत बनाता है. बहुत सारी अलग अलग देवी देवताओं की मूर्ति है जो कि इसको लाजवाब बनाती है. सो डू कम, इट इज जस्ट फैंटास्टिक. तो भाइयों, यहाँ पे एकदम मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस था. जो गार्डन है, जो पीस है, बहुत बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा. और अभी हम जू की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारे साथ कुछ बंदर्स भी है, तो उनको, उनके जो फ्रेंड्स हैं उनको मिलवाने हम अभी जा रहे हैं. सो बी विथ मी. राजीव वाले बंदर है.